हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज है ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड रहेगी। हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि संभावना, किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं। सपोज जैसे कि हम कहते हैं कि कल बारिश होगी, तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम ये कह रहे हैं कि कल बारिश हो सकती है, तो 50-50% चांस हो गए बारिश होने या ना होने के। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी, मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको प्रोबेबिलिटी कहेंगे। लाइक हमने कॉइन टॉस किया, तो हमारे मन में दो ही बातें आएंगी कि या तो कॉइन टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हम संभावना लगा रहे हैं कि क्या आ सकता है। जो आ सकता है उसको हम मैथ्स की भाषा में आउटकम्स कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो आपके पास टोटल दो आउटकम्स हैं, हेड आने, हेड और टेल। ये दो ही चांसेस हैं आपके पास आने के। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, और इसमें से हमने किसके आने की संभावना करी है, किसके आने के चांसेस गिने हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे हेड चाहिए, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो दो ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने के चांसेस 2 में से 1 है, और टेल आने के चांसेस भी 1 है। तो दोनों के 50-50% है। तो इसको जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो न्यूमरेटर में आते हैं, और टोटल आउटकम्स हमारे नीचे आते हैं। ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसी इवेंट में किसी आउटकम के आने के कितने चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? वैसे तो हम फॉर्मूला बार बार यूज नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आप चेक कर रहे हैं। तो आपको मैंने अभी जैसे कि बताया कि टोटल आउटकम्स नीचे आएंगे, जितने भी उसमें होने हो सकते हैं मैक्सिमम, और फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल जो आपको चाहिए, जो आपसे डिमांड करी गई है, वो आउटकम्स आपके ऊपर आएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले को बस आपने एमसीक्यू के लिए याद करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी तो हम इस एक्सरसाइज 4.2 अकॉर्डिंग टू योर न्यू एडिशन एनसीईआरटी, फर्स्ट क्वेश्चन 4.2 का है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। आपको सिर्फ आउटकम्स की अभी लिस्ट बनानी है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं बोला गया, आपसे सिर्फ कहा गया कि आउटकम्स होंगे क्या क्या, बस उसकी आप लिस्ट बनाइए। तो इसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसका ए पार्ट है, एक व्हील बना हुआ है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। एक व्हील है और उसमें कुछ स्पोक्स बने हुए हैं। इस तरह से आप बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा ए ए, फिर बी है, और बी पे उनका एरो जा रहा है, और फिर उनका सी है, और फिर डी है। देखिए आपको बुक में दिख जाएगा, इस तरह का एक व्हील बना हुआ है, स्पिनिंग व्हील है, व्हील पहिए को घुमाया जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आउटकम्स की लिस्ट क्या बनेगी। तो हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट ऑफ आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है लिस्ट में। तो देखिए ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, और डी आ सकता है, क्योंकि चार ही ऑप्शन है। आप ए को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ए तो सेम ही है ना। तो लिस्ट में बार बार ए, अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो लिस्ट में नहीं डालेंगे हम, क्योंकि वो तो रिपीट ही हो रहा है, सेम ही है। तो हमारे आउटकम्स टोटल जो बनेंगे वो ए बी सी डी बनेंगे, ठीक है? आपको क्लियर है? इसी का बी पार्ट हम लेते हैं। इसके बी पार्ट में बोला है टॉसिंग, टॉस किया है, टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर, दो कॉइंस को टॉस
किया गया है। ठीक, अब जब दो पॉइंट्स को आप इकट्ठा टॉस करेंगे, टॉस का मतलब होता है उछालेंगे, तो आपके पास क्या क्या लिस्ट बनेगी आप उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि दोनों में टेल आया, तो पहली हमने ये बना दिया लिस्ट में, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, ये भी आ गया। अब और क्या हो सकता है, हो सकता है पहले में टेल आए दूसरे में हेड आ जाए, और आखिरी होगा हो सकता है पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आए। इसके अलावा और कोई चांस आपको लगता है कि बन सकता है? नहीं, टोटल जितने भी आउटकम्स आ सकते थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। देखो चांसेस यही रहते हैं कि दोनों पॉइंट्स में या तो दोनों में टेल आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों में हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या एक में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए दूसरे वाले में टेल आए। तो जब दो पॉइंट्स को आप एक साथ टॉस करेंगे तो आपके पास चार आउटकम्स आएंगे, राइट। तो ये थी आपकी लिस्ट कि आपने कैसे लिस्ट को बनाना है। तो हमारा ये क्वेश्चन, आप इसके सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको लिस्ट ही बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लूडो का डाई आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं जब उसको फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे, वो आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, आपने एक डाई पकड़ा, डाई में टोटल 6 नंबर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, लूडो का डाई देखा होगा 6 नंबर होते हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट, बस। अब वो कह रहे हैं आपको लिस्ट बनानी है आउटकम्स की। पहला फर्स्ट का ए पार्ट, ए पार्ट कहता है अ प्राइम नंबर। देखिए आपने लूडो का डाई फेंका और आपको उसमें से प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है। अगर आपको मालूम हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर वुमन के टेबल में आते हैं, ठीक है, यानी इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वन के टेबल में आते हैं या फिर अपने टेबल में। तो जब हम डाई को फेंकेंगे तो उसमें जो आउटकम्स आएंगे प्राइम नंबर के वो होंगे 2, 3 और 5। आप देखिए तीनों नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ वन के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में, तो ये प्राइम नंबर हो गए। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, हमने लिस्ट बना ली है, नॉट अ प्राइम नंबर, अब वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, उन नंबर्स की लिस्ट बनाइए। तो आप इन तीनों नंबर्स को छोड़ दीजिए, जो बच गए वो प्राइम नंबर नहीं है, 1, 4, 6, इसकी भी लिस्ट बन गई। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसी के। इसका सेकेंड पार्ट कहता है अ नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़े नंबर की लिस्ट बनाइए। देखिए डाई में टोटल नंबर ही 6 होते हैं, तो 5 से बड़ा नंबर लोगे तो वो 6 होगा, तो उसकी लिस्ट में सिर्फ एक ही आएगा, 6। और चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट कहता है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर्स की लिस्ट बनाइए जो 5 से बड़े ना हो। तो 5 से बड़े ना हो तो कौन कौन होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 खुद भी, क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है कि 5 से बड़े ना हो, तो 5 तो हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, 5 को भी नहीं लेते, जबकि आपको 5 को लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 तो ले सकते हैं। तो ये हमारी आ गई है लिस्ट आउटकम्स की, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट बना ली क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी आज की क्लास में हमने सिर्फ लिस्ट आउटकम्स की बनाने सीखी है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।